में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और माता जी हमारे पास बैठी हैं और योग केंद्र में लगातार आ रही हैं। उनको विगत कई वर्षों से घुटना में दर्द है और एक बार हम लोग वीडियो बनाए थे और आप लोगों ने भरपूर उस पर प्यार और सहयोग दिया था और आज हम बहुत ही लाभकारी एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूँ जिससे घुटना दर्द में बहुत जल्द राहत मिलता है और इसको नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। तो जिसमें दर्द है उसको थोड़ा उठाइए और साड़ी को थोड़ा पीछे कर लीजिए। अब देखिए ये मुलायम धागा है, इसको क्या करना है कि यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से या आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का उठना उठा लीजिए, यहाँ को हल्का सा बांध देना है ताकि बाद में आसानी से खुल जाए। घुटना के कटोरी के 4 इंच ऊपर इसको हम हल्का सा बांधते हैं, हल्का दबाव देते हैं। अब इसको लपेटना है 1-1 इंच की दूरी पर, इस पर नहीं लपेटेंगे ठीक, इसके हम नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, इस प्रकार से लपेटना है। हल्का सा हल्का लपेटेंगे, बहुत कस के नहीं लपेटना है और ये बांधेंगे तो नस थोड़ा तन जाए। अब इस पैर को उठाना है ऊपर की तरफ, ये नीचे रखना है, इसको 10 बार उठाने के बाद इसको फिर से हम ढीला कर दें और इसको पहले से थोड़ा सा टाइट कर दें, इसको थोड़ा टाइट कर दें। इसको पहले से थोड़ा टाइट करके लाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं इसको सांसों के साथ। अब पैर को थोड़ा बाहर लटका लटकाइए नीचे की तरफ, हम क्या अब उठाइए और बाहर आना भी लगता ठीक है। इसे 10 बार धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 थोड़ा सा इसको होल्ड करेंगे इतना ही, सांस भरते छोड़ते रहिए। एक बार में 10 बार पैरों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे। अब रोक देंगे इसको 5 से 10 सेकंड के लिए। नस नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं और जहां पर दर्द है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा से होने लगता है और इस अभ्यास को एक बार में 10 बार करना चाहिए, यानी एक बार में 10 बार पैर को ऊपर नीचे करेंगे और फिर लास्ट में 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर इसको
ये घुटना दर्द के लिए, ये पिंडली में दर्द के लिए और एड़ी में दर्द के लिए बहुत शानदार और लाभकारी प्रयोग है। इस प्रकार से रोक लेना है। अब पैर नीचे लटका दीजिए, अब इसको ढीला करके धीरे धीरे खोल लें। अब इसके बाद क्या करना है, इसके नीचे लगा करके और यहां से धीरे धीरे ऊपर की तरफ इसे 4 से 5 बार करना। ये 4 से 5 मिनट का अभ्यास आपको बहुत अच्छा लाभ करेगा। फिर थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ सरका देंगे, एक बार नीचे से ऊपर को सरकाएंगे। और पैर को नीचे रख लीजिए, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक नीचे लटका कर रख लीजिए। अभी आपने देखा जो मैंने यह प्रयोग किया है, ये काफी प्रभावशाली प्रयोग है घुटना दर्द के लिए, इसलिए यह अभ्यास सप्ताह में 1 बार करना है। बाकी जो प्रैक्टिस रोज करते हो करना है, और ये रस्सी वाला प्रयोग सप्ताह में 1 बार करना है, यानी 7 दिनों में 1 दिन करना है। और इस प्रकार का अभ्यास करने से बहुत फास्ट रिलीफ होता है, और जो जाम हो जाता है यहाँ पर, लॉक हो जाता है, इधर उधर घुमाने में दिक्कत करता है, इस प्रकार का 3 से 4 सप्ताह अभ्यास करने पर बहुत आपको फायदा मिलेगा। भाई आप सबको मैं ब्रीथ मोहन योग चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ, और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार ब्रीथ मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि योग की यात्रा घर घर तक फैले, जन जन तक फैले, और घुटना दर्द एक ऐसी बीमारी फैल रही है घर घर में, जिससे जिनको हो जाता है उसका दर्द वही समझ सकते हैं, उठना बैठना चलना घूमना फिरना सब मुश्किल हो जाता है। तो आइए आज के वीडियो में मैं इतना ही आपको दिखाया, और अगला प्रयोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।